स्वागत है आप सभी का आरएस क्लास में। मैं कौशल सिंह। तो सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है 15 अगस्त 2020, और 15 अगस्त 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए वो आज इस वीडियो में देखेंगे, और लास्ट में मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा। तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चन आए आज के। चलिए तो ये आ जाता है आपका पहला क्वेश्चन, ये है 66 नए ब्रह्म ग्रहों की खोज की। तो ये ब्रह्म ग्रहों की खोज की है आपके नासा ने, ऑप्शन ए नासा ने खोज की है। नासा के ग्रह खोजी मिशन टेस्ट टेस्टिंग एक्सोप्लेनेट सर्वे सैटेलाइट ने 66 नए ब्रह्म ग्रहों की खोज की है। नेक्स्ट आ जाता है आपका ये आ जाता है कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत ने एंटीगुआ को कितने डॉलर की धनराशि प्रदान की है। तो ये प्रदान की है आपके 1 मिलियन की, 1 मिलियन की धनराशि प्रदान की है। ये 12 अगस्त 2020 को भारत ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ को बारबुडा को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की धनराशि प्रदान की है। नेक्स्ट आ जाता है ये आपका विश्व के चौथे सबसे धनी व्यक्ति बने हैं। तो विश्व के चौथे सबसे धनी व्यक्ति बने हैं आपके मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी मुकेश अंबानी विश्व के सबसे चौथे धनी व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग विलियनर्स इंडेक्स के अनुसार भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति है। इस सूचकांक के अनुसार उनकी व्यक्तिगत संपत्ति 2020 में 80.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के CMD मुकेश अंबानी ने LVMH मोएट NAD लुई वाटसन के अध्यक्ष और CEO वर्नन आनंद को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट आ जाता है आपका उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली की सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो ये परीक्षण किया गया है आपका इसराइल में, ऑप्शन ए इसराइल में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। 13 अगस्त 2020 को इसराइल ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट आ जाता है ये आपका मालदीव को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की। तो ये 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर सहायता प्रदान की है मालदीव को भारत ने, ऑप्शन ए भारत ने प्रदान की है। 13 अगस्त 2020 को विदेश मंत्री एम जयशंकर ने घोषणा की कि भारत सरकार मालदीव को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान और 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करेगी। नेक्स्ट आ जाता है ये आपका दोस्तों नया फ्रेंच कोर्स शुरू किया गया। तो ये नया फ्रेंच कोर्स शुरू किया गया है, ये किया गया है आपका लोकसभा में, ऑप्शन ए लोकसभा में किया गया है। लोकसभा ने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए शुरुआती स्तर पर एक नया फ्रेंसीसी भाषा पाठ्यक्रम शुरू किया है। इस पाठ्यक्रम के तहत लगभग 57 अधिकारियों को पंजीकृत किया गया है कोर्स के बारे में, यह पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है आपका मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की गई। तो ये मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है आपकी गुजरात ने, ऑप्शन ए गुजरात ने शुरू की है। 10 अगस्त 2020 को गुजरात सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसे मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना कहा जा रहा है। यह योजना राज्य में वर्तमान वर्ष में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह लेगी। इस योजना को प्रतिस्थापित किया जा रहा है क्योंकि बीमा कंपनियों ने इस बार सरकार से उच्च प्रीमियम लिया है। नेक्स्ट आ जाता है ये आपका अमेरिका का राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में नामांकित किया गया है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में नामांकित किया गया है वो किया गया है आपका कमला हैरिस को, ऑप्शन ए कमला हैरिस को नामांकित किया गया है। इस वर्ष
अमेरिकी चुनाव आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास अमेरिकी चुनाव में एक और कार्यकाल के लिए प्रयास करेंगे। उनके प्रतिद्वंदी जो विडेन हैं, राष्ट्रपति ओबामा के काल में जो विडेन अमेरिकी उपराष्ट्रपति थे, मुख्य राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, जो विडेन ने कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति के लिए चुना गया है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, ये आ जाता है आपका, माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। ये माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में जो विस्फोट हुआ है, ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपका इंडोनेशिया में, ऑप्शन ए, इंडोनेशिया में ये विस्फोट हुआ है। इंडोनेशिया के माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में पुनः विस्फोट हो गया है। यह ज्वालामुखी 400 साल तक निष्क्रिय रहा और हाल ही में 2014 में इसे विस्फोट हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है ये आपका, इंदिरा वन मितन योजना शुरू करेगा। इंदिरा वन मितन योजना शुरू करेगा, ये करेगा आपका छत्तीसगढ़। तो ये छत्तीसगढ़ ये इंदिरा वन मितन योजना शुरू करने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की पूर्व संध्या पर इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की है। यह छत्तीसगढ़ के वनवासियों का समर्थन करने और आत्मनिर्भर हासिल करने को पहल है। नेक्स्ट आ जाता है आपका भारतीय तट रक्षा अपतटीय गश्ती पोत सार्थक को लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च किया गया है आपका 13 अगस्त को, ऑप्शन ए, 13 अगस्त को लॉन्च किया गया है भारतीय तटरक्षा बल के लिए सार्थक नाम के एक अपतटीय गश्ती पोत को लॉन्च किया गया है। ओपीवी सार्थक पात ओपीवी की श्रृंखला में चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट आ जाता है आपका फैक्ट आज का। तो आज का फैक्ट है आपका, क्या आप जानते हो कोई भी इंसान थकने के बाद ज़्यादा ईमानदार हो जाता है? यानी कोई भी इंसान जो थक जाता है तो वह ईमानदार हो जाता है। तो ये था आज का फैक्ट। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।